नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे और अपना अपना जीवन व्यतीत झकास और बिंदास कर रहे होंगे। आज बात करते हैं फ्रेंड्स कि हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सही वक्त पर सही निर्णय लेने का क्षमता हर किसी में नहीं होता है। औरों तो और परिस्थितियों के हिसाब से जोखिम उठाने की ताकत भी हर कोई में नहीं होता है। हालांकि जीवन में ऐसी परिस्थितियों को जो डटकर मुकाबला करता है, वही इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णित अक्षरों में लिख पाता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही सफल व्यक्ति को लेकर है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का उद्देश्य से जोखिम उठाया और आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से करोड़ों रुपया का साम्राज्य स्थापित करने वाले सुनील वशिष्ठ की कहानी अपने आप में एक अद्वितीय और अद्भुत है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि दिल्ली के एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे सुनील ने किसी तरह अपनी उच्च माध्यमिक की परीक्षा पूरी की। उनके पिता एक यांत्रिक मजदूर थे और 5 के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति से सुनील को जीवन यापन करने के लिए नौकरी करने को विवश हो गए थे। एसएससी के तुरंत बाद उन्होंने प्रतिदिन 200 रुपये की कमाई वाले एक काम शुरू कर दिए। 2 जून की रोटी के लिए उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। अंत में साल 1998 में उन्होंने पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में डोमिनोज पिज्जा से जुड़ गए। उन्होंने दिल्ली में डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट में से एक के साथ लंबे समय तक काम किया और उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी बन गए। उनको लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से आउटलेट्स की मालिक बहुत पसंद थे, लेकिन वहाँ काम करने वाले अन्य लोगों को उनसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या था। कुछ वर्षों तक यहाँ काम के बाद साल 2003 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दूसरी नौकरी ढूंढने के बजाय सुनील ने अपने बचत के कुछ पैसे से दिल्ली में सड़क के किनारे एक छोटे से भोजनालय की शुरुआत की। अधिकारियों द्वारा लगातार बाधा डालने के बाद उनका यह पहला व्यवसायिक प्रयोग के विफल हो गए। भोजनालय को चलाने के 4 वर्षों में उन्होंने कुछ भी कमाई नहीं की, लेकिन बहुत सारे अनुभव जरूर जुटा लिए थे। 2007 में सुनील ने कुछ बेहतर करने का फैसला किया। आसपास के क्षेत्रों में शोध करने के दौरान उन्होंने पाया कि वहाँ एक केक की दुकान की सख्त आवश्यकता है। कुछ बचत और मित्र से 58,000 रुपये के ऋण की मदद से उन्होंने फ्लाइंग केक्स के बैनर तले अपने सपने को नींव डाल दिया। फ्लाइंग केक्स पहले की सड़क के किनारे भोजनालय की तुलना में सुनील के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन कम मार्जिन होने की वजह से व्यवसाय बहुत चुनौतीपूर्ण था। फिर भी समय के बारे में एकमात्र निश्चितता यह थी कि बदहाल, और इसी सोच के साथ सुनील ने अपने संघर्ष को जारी रखा। एक दिन पास के स्थित एसएल में कार्यरत एक महिला ने अपने बेटे के जन्मदिन हेतु ऑर्डर करने के लिए फ्लाइंग केक का दौरा किया। महिला एचसीएल के व्यवसायिक विभाग की प्रमुख थी। सुनील द्वारा बेक्ड केक की गुणवत्ता और उन्हें प्रभावित किया और फ्लाइंग केक ने जल्द ही उनसे कॉर्पोरेट आदेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। बात ही कुछ और हुआ। सुनील उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ व्यवसाय करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एहसास हुआ था कि ताज़ा केक खाने की चाहत क्या होती है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि केक केवल ऑर्डर पर तैयार किया जाए और ताजगी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम संभव समय में वितरित किया जाए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और उनकी उपस्थितियों के महत्व को जानने के बाद सुनील ने फ्लाइंग केक की शुरुआती दिनों में 24 घंटे के काम किया। बेहतर गुणवत्ता के केक मुहैया कराने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें ब्रांड बनाने और नए शाखाएँ खोलने में मदद की। उनकी 15 मिनट की तैयारी तकनीक से सुनील अधिकांश ग्राहकों बनाते चले गए। आज फ्लाइंग केक्स के एक प्रसिद्ध केक शॉप ब्रांड है, जो नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जैसे शहरों में अपनी 15 शाखाओं के माध्यम से 8.5 करोड़ रुपया का कारोबार कर रहा है। उन्होंने हाल ही में नोएडा में पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड उत्पाद की नई श्रृंखला शुरू की है। सुनील वर्ष 2024 तक 15 नया शाखाएँ खोलने के लिए तैयार हैं। आकांक्षी उद्यमियों में सुनील यह संदेश देते हैं कि आपको जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। जोखिम के बिना आप हमेशा के लिए उसी स्थान पर रह जाएंगे। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको रिस्क उठाने होंगे। कभी कभी परिस्थितियां आपके विरोध में होगा, तब आपको उसका डटकर मुकाबला करना है, और उसका सामना जैसे ही करेंगे आप एक बेहतरीन उद्यमी उभर करके आएंगे और आप उस मुकाम पर चले जाएंगे जहां आपका डेस्टिनेशन है। तो फ्रेंड्स, आप इनसे
क्या सीखे जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इस पिज्जा डिलीवरी बॉय में इतना जज्बा और जुनून था कि वो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते थे उस मुकाम के रास्ते पे हैं। लेकिन हाँ, इन्हें पूरा विश्वास है कि 2024 में आने वाले ये पूरी इंडिया के हर शहर हर सिटी में अपना आउटलेट्स खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो के लिए हमारे चैनल